गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.5 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। शो दैट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या करना है, हम या तो पहले लेफ्ट साइड को लेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे और उससे राइट हैंड साइड ले आएंगे, या लेफ्ट हैंड साइड को एक स्टेज तक लाके सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके उसके इक्वल लेफ्ट साइड के इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसमें फर्स्ट टर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a की प्लेस पर आपके पास 3x है, b की प्लेस पर 7 है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर करना है प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस बी स्क्वायर। बी की प्लेस पर आपके पास 7 है, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 84x। अब यहाँ 3x होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके 42x, और 7 स्क्वायर में 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 49। लाइक टर्म्स में से जो है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लाइक टर्म्स हमारे पास ये 42x और माइनस 84x है, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा माइनस 42x। सो रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रहेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसी से राइट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें। तो अगर आप इसी से बनाते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आप 9x को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और 42 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये 3x माइनस 7 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमने राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड कर दिया, तो राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा, प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 हो गया, क्योंकि अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो वेरीफाई हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट, 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq। तो पहले हम यहाँ फर्स्ट टर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ a यू हैव 9p एंड इन प्लेस ऑफ b यू हैव 5q, सो इट बिकम्स 81p स्क्वायर। 9p होल स्क्वायर मीन्स 81p स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स इट यू विल गेट 90pq, एंड हेयर यू हैव 5q स्क्वायर, इट बिकम्स 5q मल्टीप्लाइड बाय 5q दैट इज 25q स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 180pq। ये माइनस नहीं बेटा, प्लस होगा, करेक्शन कर लेंगे। नाउ दीज टू आर लाइक टर्म्स, माइनस 90pq प्लस 180pq, तो 180 में से 90 गया, 90pq बचेगा प्लस का। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ टेक द राइट हैंड साइड, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी यूज a स्क्वायर दैट इज 9p स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 9p, और b की प्लेस पे आपके पास 5q है, तो यहाँ 5q आ गया प्लस 5q होल स्क्वायर। 9p होल स्क्वायर मीन्स 9p मल्टीप्लाइड बाई 9p दैट इज 81p स्क्वायर, दिस बिकम्स 90pq एंड दिस इज 25q स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। नाउ टेक द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दिस वी हैव टू शो। So we will take the left hand side and simplify it. So it is of the form a minus b whole square. So expand it using a square minus 2ab plus b square.
So in place of a you have 4/3m. So 4/3m square minus 2 into 4/3m plus into 3/4n plus 3/4n whole square. So it becomes 16/9 क्योंकि 4/3m multiplied by 4/3m that is 16/9m square. यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, माइनस 2mn आ गया. और यहाँ 3/4n multiplied by 3/4n that is 9/16n square plus 2mn. And these two are like terms, 2mn and minus 2mn, so they are simplified and it becomes cancelled. So you are left only with 16/9m square plus 9/16n square. और यही हमारी right hand side है. So this is also proved. Now this is the fourth part. In fourth part we have to show that after simplification of the left hand side you get 48pq square. So here we can expand it using a plus b whole square and here a minus b whole square, or you can also do using a square minus b square that is a plus b a minus b. उससे भी कर सकते हैं हम और expansion से भी कर सकते हैं. तो expand करेंगे तो a square plus 2ab plus b square का formula लगाया हमने first term में, और second term में हमने लगाया a square minus 2ab plus b square का. तो यहाँ पर 4pq whole square को means 4pq multiplied by 4pq that is 16p square q square. यहाँ आ गया हमारे पास 24p एंड q की पावर्स ऐड हो जाएंगे q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर क्योंकि pq मल्टीप्लाइड बाय pq तो p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर q की पावर्स ऐड होंगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 2 q स्क्वायर हो गया और p एज इट इज एंड 9q स्क्वायर. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. ये 16p स्क्वायर q स्क्वायर और माइनस 16p स्क्वायर ये लाइक टर्म्स थी, ये दोनों जीरो बन गया. इसी तरह से 9q स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर कैंसिल हो गया और 24pq स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर ऐड होके 48pq स्क्वायर बन गया. नेक्स्ट इज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ हम a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ सेकेंड टर्म में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया ये, और थर्ड टर्म बन गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और रिजल्ट आपको क्या मिल गया, जीरो. और राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना. That's all for today. Thank you.